अभी जो है आप ही इधर जो है बहुत सारा सामान लाई है और ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग अभी बाजार गए थे तो वहाँ से सामान ले आए हैं। कितना आराम से बोल रही हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, माशाल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज मेरी बहन ने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, मेरा कैमरा पकड़ी, थोड़ा सा पीछे मेरी आंखों में लाइट लग रही है। हाँ आ गया थोड़ा सा ज़्यादा पीछे लगी। तो खैर अभी जो है हम लोग आए थे बाज़ार से, मैंने कहा चलो अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों को बता भी देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैंने ब्लॉग भी बनाया तो मैं सोच रही थी आज स्टार्ट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं अपनी बहन को कैमरा दिया तो उसने बना ली, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना ही लेती हूँ। कैमरा मैन हाँ मेरा कैमरा मैन हाजिर हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इस दुपट्टे को ठीक कर लेती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करने वाला है। ठीक है, तो खैर ये जो हम लोग अभी गए थे बाज़ार, मुझे अजवा, अभी हम लोग गए थे बाज़ार, मैं अजवा और अम्मी। आज अम्मी बाज़ार गई थी, अब अम्मी को पता चल रहा होगा कि बाहर कितनी गर्मी है। अम्मी कितनी गर्मी है बाहर? बहुत। अम्मी ऐसे बाहर नहीं जाती ना, तो आज जब अम्मी गई है तो आज मैं ज़बरदस्ती ले गई। मैंने कहा ये रहा बाज़ार, लेकिन बाज़ार बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन मैं अम्मी को चकमा दे के ले गई। तो खैर अम्मी जैसे जैसे चलती गई, अम्मी ने मुझे सुनाती गई, बोलती गई कि बहुत करीब है। खैर कोई नहीं, लेके गई मुझे सुनने तो पड़ेगी। तो हम लोग जो है बाज़ार से सामान वगैरह लेके आए, छोटा मोटा सामान लेके आए, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके आए। मैं आ भी रही हूँ कैमरे में, आ रही हूँ। हाँ फिर ठीक है। तो खैर बहुत सारा थोड़ा सामान लेके आए, ये पानी की बोतलें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो ये लानी थी तो ये लेके आए, और बस छोटा मोटा सामान है। ये कल जो है सेमियाँ बनानी है उसके लिए, और ये दस्तरखान, ये दस्तरखान है, बड़ा ही महंगा है ना अम्मी? सही है। हाँ ये दस्तरखान लिया क्योंकि कोई मेहमान आ जाता है ना तो फिर दस्तरखान नहीं होता, तो हम लोगों ने ये लिया। और आगे रमज़ान भी आ रहे हैं तो काम आता है बहुत ज़्यादा, तो ये एक बहुत खूबसूरत सा दस्तरखान है। ले लिया जो चीज़ पसंद आती गई मैं लेती गई, अम्मी के पैसे लगवाती गई। अम्मी कहती मैं जब भी बाज़ार में आती हूँ तो ऐसे ही मेरे पैसे लगा देती, मैं तभी नहीं आती। फिर अम्मी के पैसे लगवाने का मज़ा भी बहुत आता है और बाद में सुनने का भी अलग ही मज़ा है। और ये दरसाना रोटी बना दरसाना, फिर सारी चीज़ें खोल भी रही और देख भी रही मैंने कितने पैसे लगवाए, क्या क्या लिए। और ये मैंने अपने मोबाइल के लिए लिया है, मोबाइल चार्ज पे लगाओ, इधर रखो उधर रखो, तो मैंने ये अपने मोबाइल चार्ज पे लगाने के लिए ले लिया। और बाकी छोटा मोटा सामान है तो वो लिया, ये आलू छिले वाला, और ये साबुन रखने वाला। हाँ और ये मैंने मेरी चूड़ियाँ, अम्मी चूड़ियाँ पहन रही तो मैं दिल कर रहा था, और मुझे अंकल ने पहनाई नहीं, मैंने कहा पहना दो, तो अंकल ने कहा नहीं टूट जाएगी, तो रोज़ा है ना मेरा, तो इसलिए रोज़ा मकरू हो जाएगा। तो फिर मैंने नहीं पहनी थी, मैंने कहा बाद में रोज़ा खोल के फिर अम्मी मुझे पहना देगी। और बस ये ठीक है, अम्मी गर्मा है, और ये मैक्रोनी मैंने लिया बनाऊँगी खास दिन भी आप लोगों को बताऊँगी। है ये सामान था छोटा मोटा, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, वीडियो भी स्टार्ट कर लूँ, और बस। और बस मज़ा आया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, मैंने इतना घुमाया पूरे बाज़ार में, हम लोग घूमे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अम्मी मुझे सुनाती भी गई कि बस करो चलो, लेकिन उन्हें बोला करीब लगता है, इतवार बाज़ार करीब लगता है, तो वो इतना करीब था कि बस चलते चलते रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा था। और मैंने चूड़ियाँ पहनी, ये मेरे भाई ने जो है ना पैसे दिए थे चूड़ियों के, अम्मी के भाई ने पैसे दिए थे, तो मामू ने पैसे दिए थे, अम्मी के भाई ने, अम्मी बोली मैं ही बोली, मामू ने पैसे दिए थे किसके, अम्मी किस चीज़ के, शबरात के पैसे देते हैं ना बड़े भाई अपनी बहनों को, तो वो अम्मी को दिए थे, तो अम्मी ने अपनी शॉपिंग भी कर ली पूरी की पूरी, सूट भी ले लिया, चूड़ियाँ भी ले ली, इतने सारे मैंने भी अम्मी के पैसे लगवा दिए, तो सारे पैसे मैंने अम्मी के लगवा दिए। और ये एक अदद अजवा जिसने व्लॉग स्टार्ट किया मेरा आज, और ये एक दस्तरखान, ये मैं आपको भूल ही गई, ये ऐसे ही खाना खाने बैठते हैं तो नहीं होता ना, तो ये उस ले लिया। तो खैर मैं आप लोग को एक और बात बताऊं, मैंने जो है आज सुबह जो है सारे काम ख़त्म नहीं किए। मैंने जैसे ही उठी, अम्मी कह रही आज बाज़ार लगा है, कहाँ बाज़ार लगा है, तो फिर मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा करीब ही लगा, तो फिर अम्मी और मैं बाज़ार चले गए। तो खैर मेरे ये आधे से बर्तन
यहाँ पर तो धुले हैं, ये आधे से बर्तन ये वाले, ये मैंने नहीं धोया, जब का एक फीटर रहता है, और बाकी तो किचन पूरा साफ करके गई थी मैं, ये बड़े बड़े बर्तन हैं ये मैंने नहीं धोया, क्योंकि फिर अम्मी लोग में जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, बाहर बहुत धूप है, मैंने ना यूं दुपट्टा किया हुआ था, और मैं ना यूं करके यूं पिन लगा के आई, यूं लगा के आई, दुपट्टा वो दूसरा था वो रेशमी था ना, तो उससे नज़र आ रहा था मुझे, इससे नज़र नहीं आ रहा। खैर तो मुझे ना सारे लोग उसे देख रहे थे, मैंने कहा इनको क्या हो गया, अम्मी कह रही फैशन नहीं निकला ना अभी ऐसा, तो अभी ये लोग इसीलिए जो गौर से देख रहे हैं। तो खैर अभी जो मैं थोड़े से काम करूँगी, उसके बाद जो है खाने पकाने की तैयारी करनी है। खाने पकाने की क्या करना है, वो नहीं, हाँ कुछ बना हुआ है, मैंने कुछ नहीं देखा क्या बना है, हाँ मटर आलू, मैं जो बाहर बाज़ार से लाई थी मटर, तो वो मटर आलू बने हैं, मुझे पता ही नहीं था क्या बना, तो खैर मटर आलू बना रहे हैं। और ये गलत मेरी बहन, कैसा लगा बाज़ार में घूम के, बाहर कैसे हुए मैं आके, कैसा लगा बाज़ार में घूम के, बहुत अच्छा, लेकिन गर्मी बहुत थी, लेकिन गर्मी बहुत थी, इसने तो जूस वूस पिया है, इसमें बाहर रश रश तो होती है बाज़ार में, आप लोगों को पता ही है, रश किसी से टक्कर लग रही थी ऐसे ऐसे, हाँ ये इसको तो हर चीज़ चाहिए होती है बाज़ार में जाके, टक्कर के अलावा भी इसको। तो खैर मैं भी काम करती हूँ, उसके बाद आप लोग, तो है हम लोग, हमारे जो है बहुत सारे काम थे, तो आप ही अब इतने सारे काम नीचे से ख़त्म कर कर आ गए, और अभी आप भी रोटियाँ बना कर ऊपर आइए, और हम यहाँ पर काट रहे हैं ये, और हम लोग यहाँ पर काट रहे हैं तरबूजा, तरबूजा बोलते हैं, मम्मा ने मुझे बताया इसको खकड़ी बोलते हैं, खकड़ी खकड़ी काट रहे हैं अभी, ठंडी हो गई है, ऊपर वाला खाने मैंने रखी थी ताकि ठंडी हो जाए, फिर हम लोग काटेंगे, खाने में मज़ा भी आएगा, उसके बाद रोज़ा भी खोल लें, आज का रोज़ा ना मेरा बहुत अच्छा किया है अजमा ने, क्योंकि मुझे बहुत तंग जो किया है, अभी जो है आप ही से ऐसे काट रही है, आप देख ही सकते हैं, तो देख ही सकते हैं आप, अंधे तो नहीं है, आई क्या बोल रही हो, खैर तो अभी मेरे पे लगाओ, मैं बोल, खैर अभी मैंने ये काट दिया, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम तो खत्म हो गए, बस अभी अजान का वेट हो रहा है, फिर रोज़ा खोलेंगे हम लोग सारे मिल के, है ना अजवा, अजवा मुझे रात को कह, मैंने कहा ना रफ्तारी के वक्त कौन कौन उठेगा, जो मुझे कह रही है रात हैं रोज़े आ गए, कैसे हैरान हुई थी अजवा आप, खैर अजवा ने भी आज रोज़ा रखा है, वो भी खाने पीने वाला, ऐसा ही है, यस, क्योंकि आपने जाके वहाँ पे बाजार में जूस भी रख लिया, यस, तो खाने पीने वाला, अगर मैं रोज़ा नहीं रखती तो मुझे ये तरबूजा खाना होता, और क्या, चलो अब ये जागते नहीं चले गए, चलो अब हम लोग चलते हैं, और क्या। तो भाई उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई इफ्तारी वगैरह की, उसके बाद मुझे याद ही नहीं कि वीडियो भी बनानी है मैंने, तो जैसे ही हम लोगों ने इफ्तारी की ना, तो आंटी आ गई थी, मेहमान आ गए थे हमारे, आंटी और मामू आ गए थे, तो हम लोगों ने जो है मतलब नीचे टाइम पास हो गया बहुत सारा, वहीं पे बैठे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, खैर टाइम अच्छा खासा गुजर गया, और अभी जब मुझे याद आया, मैं अभी अभी ऊपर आके बैठी, आंटी ने आज न्याज बनाई थी, तो आंटी न्याज देने आई थी, तो मैं वो भी लेके आई साथ, मैंने कहा मैं भी खा के चेक कर लूँ कैसी बनाई है आंटी ने, खैर अच्छा बनाया है हलवा बनाया आंटी ने, तो अच्छा बना हुआ है, क्योंकि मैं इतना मीठा खाती नहीं, इसलिए मैं इतू सा लेके आई, क्योंकि मैंने कहा चलो चख ही लूँगी, और नीचे जो है अच्छा खासा टाइम गुजर गया हमारा, अभी मैं ऊपर आई हूँ हलवा भी साथ लेके, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो भी देख लूँ कितनी बनी है कितनी नहीं बनी, और तो मुझे आके याद ही नहीं है। खैर मैंने अभी जो है, हम लोग जो है बाज़ार गए थे, मैंने आप लोग को चूड़ियाँ दिखाई थी, मैं अपनी ये देखी, मैं अम्मी ने मुझे अभी भी चूड़ियाँ पहनाई हैं, अम्मी से पहनाई नहीं जाई थी, ये रेड और ब्लू कलर की बहुत प्यारी सी लग रही है, इसमें कैमरा में पता नहीं क्यों नहीं दिखता। खैर अभी जो है इस वीडियो करती हूँ यहाँ पर एंड, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेला उसमें बस रहा ख्याल रखिएगा, और दुआ में रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करिएगा, और कुछ भी नहीं, बस तकाफ़ी आज के लिए, बाय बाय।